नेताओं के साथ मिलकर पत्रकार वार्ता करने वाला और दिग्विजय सिंह की जीत के लिए यज्ञ करने वाला बाबा स्वामी वैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा एक अघोरी साधु है और मंदसौर में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। इस बात का खुलासा होने के बाद अब बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कांग्रेस से इस बारे में भी सफाई देने को कहा है। गौरतलब है कि वैराग्यनंद ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ किया था और दावा किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे तो मिर्ची बाबा जीवित जल समाधि ले लेगा। दिग्विजय सिंह की हार के बाद मिर्ची बाबा गायब हो गया था। तब भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़े तालाब में बाबा के प्रतीकात्मक रूप से जल समाधि दी थी। सामाजिक संगठन से जुड़े दुर्गेश केसवानी और अन्य लोगों ने बाबा वैराग्यनंद पर साधुओं की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया था। अब जब वैराग्यनंद के पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो शमशान में अघोरी साधना करते नजर आ रहा है, वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि बाबा पर 400 BC के आरोप लगे थे तो बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है कि इस ढोंगी बाबा के साथ कांग्रेस के लोगों का क्या रिश्ता है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा और उसके बाद भोपाल से जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो इन अघोरी बाबा को सामने लेके आते हैं और संकल्प लेके वो जब जनता के बीच में बात करते हैं तो हमने तो उसी दिन समझ लिया था कि बाबा फर्जी हैं। ये मिर्ची यज्ञ वगैरह जो किए जाते हैं ये दूसरी साधनाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, पर वो तांत्रिक क्रियाएं जनता को बताकर नहीं होती हैं कि अगर आप दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं नहीं तो मैं समाधि ले लूँगा। हमने इसमें बाबा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और कलेक्टर भोपाल से भी मांग की है हमने कि ये बाबा ढोंगी बाबा है, पाखंडी बाबा है, इन्होंने वो चुनाव में आकर जो वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम किया था और आज जब ये जल समाधि की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश ये बाबा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सूचनाएं आ रही हैं 2011 में जो इनके खिलाफ 400 BC का प्रकरण दर्ज हुआ था, तो मुझे लगता है कि इनके पूरे रिकॉर्ड खंगालने चाहिए, मध्य प्रदेश की पुलिस को आगे आके काम करना चाहिए और एक सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी बाबा हिंदुत्व को बदनाम न कर पाए। जो बाबा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को आके जवाब देना चाहिए कि उनका बाबा से क्या संबंध है।